हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक और इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉलर गेट जो सुपर ग्लोबल है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ और किस तरह से हम लोग जो फॉर्म से डाटा आ रहा है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डेमो देने वाला हूँ। ओके, डॉलर गेट सुपर ग्लोबल के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेथड जो है उसको गेट कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरा एक फॉर्म है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके, और फॉर्म के अंदर दो फील्ड हैं आपको दिख रहे हैं, एक है आपका इनपुट और एक है इनपुट यूजर नेम और एक है आपका पासवर्ड। ओके, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक्शन एट्रीब्यूट लिख देता हूं और फिर मैं हेलो डॉट पीएचपी लिख देता हूं। राइट, अब अगर आप लोगों ने मेरे फॉर्म वाला जो मैंने वीडियो बनाया था अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, तो ये जो एक्शन एट्रीब्यूट है ये क्या करता है, ये बताता है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा, मतलब जब भी ये बटन क्लिक होगा सबमिट का, तब कहाँ पे इस डाटा को ले जाना है और किस पेज को लोड करना है। मैं फिर से बता दूं, एक्शन एट्रीब्यूट ना कि बस डाटा को ले जाता है बल्कि आपके ब्राउजर में उस पेज को लोड भी करता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका आप देख सकते हो हेलो डॉट पी एच पी पे मैं डाटा को ले जा रहा हूँ और फिर मैं इनपुट करवा रहा हूँ यूजर नेम, जिसका नेम फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब जो डॉलर गेट सुपर ग्लोबल है वो एक एसोसिएटिव अरे है, तो वहाँ पे जब भी आप डाटा एक्सेस करना चाहते हो तो आपको की, क्योंकि एसोसिएटिव अरे में वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अरे होता है, वहाँ पे डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको की डालना पड़ता है, तो आपको ये यूज़र की डालना पड़ेगा और उसी तरीके से यहाँ पासवर्ड की डालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, डाटा को सबमिट करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं डाटा को सबमिट करता हूँ, तो देखिए मैं यूज़र कुछ भी डाल देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ और मैं सबमिट करता हूँ। तो आप देख सकते हो गेट मेथड है, इसलिए आपका यूजर नेम यहाँ पे अपेंड हो गया है और पासवर्ड आपका यहाँ पे अपेंड हो गया है और सबमिट बटन, क्योंकि सबमिट को भी हमने नाम दे रखा है नेम इक्वल टू सबमिट, तो यहाँ पे आपका सबमिट भी अपेंड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन डाटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना है और फिर मैं चाहता हूँ वो इस पेज पर मैं शो कर सकूँ हेलो डॉट पी एच पी पे। तो वो कैसे करना है, चलिए मैं आपको वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है और ये बहुत क्रूशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक ये इनपुट बटन सबमिट ना हो जाए तब तक मैं हेलो डॉट पी एच पी वगैरह पे कुछ ना दिखाऊं। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा और चेक करने के लिए एक मेथड है इज सेट। ओके, इज सेट ये क्या करता है, ये बेसिकली चेक करता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट है कि नहीं है, मतलब क्या उसके अंदर कुछ वैल्यू है कि नहीं है। ओके, तो इस सेट फंक्शन के अंदर मैं पास करता हूं डॉलर गेट। ओके, और फिर डॉलर गेट एक एसोसिएटिव अरे है, मैं फिर से बता दूं डॉलर गेट एक एसोसिएटिव अरे है, तो इसके अंदर आपको जिस भी चीज को आप चेक करना चाहते हो कि सेट है कि नहीं है उसका आपका नाम डालना पड़ेगा। तो नाम इसका क्या है, इसका नाम है सबमिट। ओके, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे, मैं आपको बेट करता हूं। ओके, तो आप चेक कर रहे हो कि क्या सबमिट का जो बटन है वो सेट है कि नहीं है, मतलब क्या यूजर ने उसे क्लिक किया है कि नहीं है। किया है तो मैं क्या कहता हूं, मैं अभी फिलहाल के लिए एको कर देता हूं यू हैव क्लिक्ड और चलिए मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूं कि एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो देखिए पीएचपी टर्ट्स हम लोगों ने लिख दिया है, मैं यहां पर कुछ भी यूजर नेम डाल देता हूं और कुछ भी पासवर्ड डाल देता हूं। ओके, और उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले लोकल होस्ट में जाता हूं और पीएचपी टर्ट्स में जाता हूं और मैं हेलो डॉट पीएचपी में जाता हूं। तो अब आप देख रहे हो जब मैं हेलो डॉट पी एच पी में डायरेक्टली जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली यूआरएल को एंटर करके जा रहा हूँ, तो आपको कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देखिएगा क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, यू हैव क्लिक्ड। क्यों? क्योंकि जो यू हैव क्लिक पार्ट था वो आपके बेसिकली इफ कंडीशन के अंदर है। ओके, तो जब आपका ये सबमिट बटन क्लिक हुआ है सच में तब जाकर के आप प्रिंट करवा रहे हो यू हैव क्लिक्ड, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एल्स आप एको करवा सकते हो ताकि आपको पता चले। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यू हैव नोट क्लिक्ड। ओके, और चलिए मैं अब क्या करता हूं, अब मैं डायरेक्टली इस यूआरएल को लोड करता हूं हेलो डॉट पी एच पी को। तो आप देखिए क्या बता रहे, यू हैव नोट क्लिक्ड, लेकिन अगर मैं यहां से जाऊं तो आप देखिएगा क्या होगा, क्या लिख रहा है, यू हैव क्लिक्ड। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस सेट मेथड क्या करता है। इस सेट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आप यूज़र को लॉगिन करना चाहते हो जब वो आपके लॉगिन पेज से आ रहा है ना कि डायरेक्टली आ रहा है, तो
तो तब आपको ये सब चीज मेथड यूज करना पड़ेगा, इज सेट, और फिर किस चीज को आप देखना चाह रहे हो कि वो सेट है कि नहीं है। ओके तो चलिए अभी मैं फिलहाल के इसे हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो डाटा आ रहा है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अब आपका यूजर ने सबमिट बटन पे क्लिक कर रखा है, मतलब अब आपके पास एसोसिएटिव अरे में यूजर भी अवेलेबल है और पासवर्ड भी अवेलेबल है। ओके तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एको करता हूँ डॉलर गेट सुपर ग्लोबल है। मतलब देखिए, आपने अपने फॉर्म को क्या बोला, आपने अपने फॉर्म को बोला कि जा हेलो डॉट पी एच पी पे डाटा को भेज दे। मतलब हेलो डॉट पी एच पी के अंदर जो आपका सुपर ग्लोबल डॉलर गेट है, आराम से सुनिए, आपने हेलो डॉट पी एच पी के पास ये सब डाटा भेजा, यूजर नेम और पासवर्ड। मतलब हेलो डॉट पी एच पी के अंदर जब भी आप डॉलर गेट सुपर ग्लोबल को यूज कीजिएगा, और उसमें अगर आप की पास किए यूजर और पासवर्ड, तब आपको जो भी ये यूजर ने इनपुट किया इसके अंदर और इसके अंदर वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। वही अगर मैं एक तीसरा पेज बना लूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हेलो हेलो टू डॉट पी एच पी, और उसके अंदर मैं सेम चीज करूंगा, तो आप देखिएगा हमारे पास नहीं आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं एको करवा देता हूं डॉलर गेट यूजर। क्यों यूजर? क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है उसका नाम यूजर है, राइट? उसी तरीके से अगर आपको पासवर्ड प्रिंट करवाना है तो आप पासवर्ड प्रिंट कर सकते हो, राइट? तो मैं यहां पे पासवर्ड दे देता हूं, दैट्स ऑल। तो चलिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, और फिर मैं यहां पे यूजर नेम डालता हूं विवेक, और पासवर्ड में डाल देता हूं 1 2 3 4 5, और चलिए मैं सबमिट करता हूं इसे। तो आप देख सकते हो यहां पे कितने अच्छे तरीके से विवेक और 1 2 3 4 5 आपका आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग जो साइनअप वगैरह पेज बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड का वहाँ पे वो देते हैं, और यहाँ पे वैल्यू सबमिट की जगह पे मैं दे देता हूँ लॉगिन, और फिर आप दूसरे पेज में आप चेक करते हो कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड सेम है कि नहीं है, और इसके लिए आप डाटाबेस वगैरह से बात करते हो, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ वगैरह में बताने वाला हूँ। और फिर जब वो मैच कर जाता है तब आप उसको एडमिन पेज पर ले जाते हो या फिर कोई डिफरेंट पेज पर ले जाते हो, राइट? अब जो यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला हूँ मैं आपको, मैं वो समझाने वाला हूँ कि देखिए, मैं यही सेम चीज़ अगर मैं कॉपी करके हेलो टू डॉट पी एच पी में रखूँ, ओके, और मैं यहाँ पे इज सेट चेक नहीं करता हूँ, मैं बस एको करता हूँ डॉलर गेट यूज़र और डॉलर गेट पासवर्ड, ओके, और जब आप लोकल होस्ट पी एच पी टर्स हेलो टू डॉट पी एच पी को एक्सेस कीजिएगा, तो आपके पास आएगा अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र और पासवर्ड। क्यों? क्योंकि आप जो फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे मेरे डाटा को हेलो डॉट पी एच पी में ले जाओ, मतलब बस हेलो डॉट पी एच पी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मतलब हेलो डॉट पी एच पी के अंदर आप लोग अगर डॉलर गेट सुपर ग्लोबल का यूज़ किए और उसके अंदर की इस नेम फील्ड का वैल्यू डाले, तो आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो, वही हेलो डॉट पी एच पी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्शन एट्रीब्यूट में आपने हेलो डॉट पी एच पी लिखा है, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा इज सेट और किस तरह से डाटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेम चीज मैं आपको पोस्ट सुपर ग्लोबल के मदद से बताने वाला हूँ, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस वीक साइनिंग ऑफ।